धार के जिला पंचायत सभा कक्ष में जहां हर मंगलवार जनसुनवाई होती है, जिले भर के दूरदराज से यहां पर आवेदक आते हैं और कलेक्टर या अधीनस्थ अधिकारी को अपनी समस्या सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान होगा और होता भी है। लेकिन जब जब धार कलेक्टर अनुपस्थित रहते हैं उस समय जन सुनवाई महज औपचारिकता नजर आती है। आज भी कई आवेदकों की समस्याएं तय समय में नहीं सुनी जा सकी। जन सुनवाई में देखा गया कि अधिकतर समय विभागीय अधिकारी आपस में बातचीत करते देखे गए। वहीं धार SDM भव्या मित्तल और एकता जायसवाल ही आवेदकों की समस्याएं सुनती नजर आई। अगर ऐसा ही होता रहा तो प्रदेश सरकार की मंशा को गहरा आघात होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार की सोच है कि आम जनता की समस्या सुनने के जो दिन निर्धारित किए गए हैं उन दिन उनकी समस्याएं सुनी जाए और उनका निराकरण भी किया जाए। आज जन सुनवाई में चांदकेपुरी कॉलोनी की महिलाएं आई और बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर आवेदन भव्या मित्तल को सौंपा, जिसके बाद SDM ने CMO से बात करने का आश्वासन दिया। समस्या आपकी कॉलोनी पर क्यों आए थे आप? हम यहाँ पर नल कनेक्शन के बारे में आए हैं, क्योंकि आधे लोग को मतलब नल कनेक्शन दे दिए गए नगर पालिका की तरफ से और हम लोगों के 20 सेक्टर में मतलब कनेक्शन नहीं हुए। यहाँ 45-50 पर कनेक्शन हो गए, बाकी हमारी कॉलोनी में अभी तक कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ। और वहाँ के लोग उन कहते हैं कि वो आप तुम लोग जन भागीदारी से करो, तो हम लोग भी सब मीडियम परिवार के लोग हैं, हमको कहा जन भागीदारी करना है तो सभी लोग से करवाओ ना। आधे लोग को कनेक्शन दे दिए गए और आधे लोग को कहते हैं जन भागीदारी करो। नगर पालिका में आवेदन दिया था? नगर पालिका में हम CMO साहब से गए थे तो उन्होंने बोला था कि अभी आठ दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उनके द्वारा मतलब दूसरे दिन नप्ती वगैरह भी हो गई, इसके बाद फिर हमारे कोई मतलब नहीं हुआ। महीना भर होगा, समझ लो बात को।